अच्छा दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी कौन इसको सॉल्व करता है। बहुत आसान है, अगेन वी कैन सॉल्व इट बाय ऑप्शंस। ठीक है, सो अ ट्रेन टेक्स, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अ ट्रेन टेक्स 2 hours less for a journey of 300 किलोमीटर if its speed is increased by 5 kilometer per hour from its usual speed। और आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द यूजुअल स्पीड। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेन है, वो क्या कर रही है, वो 2 घंटा कम ले रही है 300 किलोमीटर की जर्नी में। अगर उसकी स्पीड को आप बढ़ा रहे हो, डेफिनेटली अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो जो जर्नी का टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जो यूजुअल स्पीड है उससे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी गई, तो वो जो 300 किलोमीटर की जर्नी थी, ट्रेन जितना टाइम यूजुअल स्पीड में ले रही थी, अब वो ट्रेन 2 घंटे कम ले रही है। दिस इज द क्वेश्चन, आपसे यूजुअल स्पीड पूछिए कि पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी। आप ये सोचिए कि जब पहले ट्रेन की स्पीड अराउंड, आप ये, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी तो ट्रेन ले रही थी 6 घंटे सपोज। अब उसकी स्पीड हो गई है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया आपने, 105 हो चुकी है, तो अब वो 2 घंटे कम लेगी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ओके चलो, लेट्स सॉल्व इट, लेट्स डू इट नाउ। ओके, अब मुझे क्या दिया है, अ ट्रेन टेक्स, अच्छा द डिस्टेंस, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ठीक है, सपोज जो जो स्पीड है, यूजुअल स्पीड है, सपोज अगर वो x किलोमीटर पर आर थी, ठीक है, और ट्रेन ने फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर ये तो क्या है, ये तो डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर, इसको मैं डी इज इक्वल टू लिख लेता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस, और ये जो स्पीड है, एस इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं स्पीड, स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आर। अब आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम विल बी नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, मेरा जो यूजुअल टाइम है वो मैं निकाल सकता हूँ। यूजुअल स्पीड दी है मुझे कितनी है? कितनी है, इसको मैं ले लेता हूँ S1। ठीक है, S1 इज द यूजुअल स्पीड, तो यहाँ से टाइम वन कितना आएगा, टाइम वन होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 300, स्पीड कितनी है x, सो 300 अपॉन x r विल कम। दिस मच इज क्लियर, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन विच इज नॉट गिवन मी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे यूजुअल स्पीड नहीं दी है। मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आपको स्पीड को बढ़ाना है, एज बढ़ानी है, कुछ भी बढ़ाना है, घटाना है, तो पहले आप कुछ ले लो यूजुअल। ठीक है, जैसे प्रेजेंट एज, मैंने बच्चों को मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था कि पहले आप प्रेजेंट एज ले लो, और प्रेजेंट एज के बाद अगर आपको उसमें बढ़ाना घटाना है तो फिर करो। तो वैसे ही मैंने एक यूजुअल स्पीड ली एक्स किलोमीटर पर आर, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन। अब मुझे क्या दिया है, अ ट्रेन टेक्स 2 hours लेस, अब वही सिचुएशन है, नाउ द सिचुएशन इज अगेन सेम। सिचुएशन क्या है, पॉइंट ए पॉइंट बी है, डिस्टेंस वही है 300 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब स्पीड बढ़ चुकी है, जो अब S2 जो नई स्पीड है वो बढ़ चुकी है, वो कितनी बढ़ चुकी है, वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो चुकी है। तो पहले x से, तो x प्लस 5 हो चुकी है। ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो जब स्पीड बढ़ चुकी है तो जो ये टाइम आएगा T2, ये T1 से कम आएगा, और ये T2 टाइम कितना आएगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन x प्लस 5 आर। ओके, सो दिस इज T2, दिस इज T1। व्हाट इज गिवन मी इन दिस क्वेश्चन, द डिफरेंस इन टाइम, आपको क्या दिया है, 2 घंटा कम, कौन सा है 2 घंटा कम, T1 या T2, T2 2 घंटा कम है। तो अगर आप T1 से, अगर आप ये सोचो कि अगर T1 बाय द वे अगर 6 घंटे हैं, तो T2 कितना होगा, T2 होगा उससे 2 घंटे कम, 4 घंटे। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। हाँ, तो अगर आप T1 माइनस T2 करोगे, इफ यू विल गेट T1 माइनस T2, यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ टाइम विच इज गिवन टू यू, कितना, 2 hours। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी, अब कर लो T1 माइनस T2, T1 कितना है। ठीक है, तो ये मैंने डेटा ऐसे ही दिया था आपको बताने के लिए। सो T1 इज हाउ मच, T1 इज 300 अपॉन x, T2 इज हाउ मच, 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगर अब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना आपको अगेन यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, नाउ वी हैव ऑप्शंस।
अगर ऑप्शंस दिए होंगे, आरएमसी के स्टूडेंट तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं होते, लेकिन चाहे वो सीडीएस के बच्चे हों, चाहे वो एनडीए के बच्चे हों, चाहे वो एफ कैट हों, सीएपीएफ हो, आरएमएस के बच्चे हों, सैनिक स्कूल के बच्चे हों, व्हाट दे विल गोइंग टू डू? अब चार ऑप्शंस क्यों दिए ये मुझे? अरे इनका यूज करो, पुट दैट चार ऑप्शंस, पुट दैट फोर ऑप्शंस, एक एक करके आपको एक्स निकालना है ना। ये एक्स ही तो दिया है ये आंसर में, एक्स क्या है? आपने यूजुअल स्पीड ली है, अब आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो और देखो कि किस एक्स की वैल्यू में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो टू आना चाहिए। इफ़ यू विल टेक एक्स 50, अगर आप 50 रखोगे तो दिस विल बी 300/50। 300/50 कितना होता है? सिक्स। सिक्स माइनस यहाँ पर कितना आना चाहिए? सिक्स माइनस फोर आना चाहिए। तो अगर आप 300/55 करोगे यू विल नॉट गेट फोर। 55 फोर जा इज अराउंड आई थिंक 220, इट्स नॉट। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, समझ रहे हो? अब आप रखो, अब आप एक्स की वैल्यू 50 रख के तो आई एम नॉट गेटिंग माई आंसर। हाँ आप 40 रखो, इफ यू विल पुट 300/40, ठीक है, 300/40 इट इज कमिंग इन फ्रैक्शन। 35 रखोगे अगेन फ्रैक्शन में आ रहा है। 25 रखो, अगर आप 25 रखोगे, लेट पुट दिस वैल्यू 25, अगर आप 25 वैल्यू रखते हो तो ठीक है। आई एम पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 25, सो 300/25 माइनस 300/ ओके 300/ हाउ मच 30, सॉल्व करो, टू आना चाहिए। अच्छा 300/25 विल गोइंग टू गिव मी, सॉल्व करो 300/25, 300/25 माइनस 300/30, टू आना चाहिए। तो इफ यू विल सॉल्व दिस 300/25 कितना आएगा? 25 हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। 25 12 जा 300 माइनस, और यहां पर कितना जाएगा? 30 10 जा 12 माइनस 10 कितना आ रहा? 2। बस 25 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप x की वैल्यू 25 लोगे यू विल गेट योर आंसर। इसका मतलब x कितना है? 25। इसका मतलब 25 रख के, इसका मतलब यू डोंट हैव टू सॉल्व इट फ्रॉम नाउ, यहाँ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। डी विल बी द राइट आंसर, 25। लेकिन कैसे करेंगे सॉल्व इसको अगर अच्छे से करेंगे? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेता हूँ आप लोग ले, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप इसको अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। इसको क्या करना है, क्वेश्चन इक्वेशन क्या आई थी? इक्वेशन आई थी, इक्वेशन आई थी 300/x माइनस 300/x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अगर आप एलसीएम लोगे यू विल गेट x इंटू एक्स माइनस 5, और न्यूमरेटर में कितना जाएगा? न्यूमरेटर में इट विल गोइंग टू कम 300 इन ब्रैकेट x माइनस 5 माइनस 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 300x माइनस 1500 माइनस 300x अपॉन, दिस इज गोइंग टू कम एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अच्छी बात क्या होगी? अच्छी बात ये हो गई कि यहाँ से 300x और 300x कैंसिल हो गया। सो माइनस 1500 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? इक्वेशन बन गई, इसको पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1500 का हाफ करोगे इट विल गिव यू 750, लेकिन माइनस 750, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 750, सॉल्व इट, ठीक है, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x, बहुत अच्छे। चलो मैं आगे बढ़ूँ, इसको तो सॉल्व कर लोगे। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ? इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यू विल गेट टू वैल्यूज, फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, ठीक है।